हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। सोचो कि अभी तुम यूनाइटेड स्टेट्स में हो एंड साल चल रहा है 1890 का। कंट्री साइड में तुम्हारा एक घर है एंड तुम्हारी एक कुक भी है। एक दिन तुम्हारे घर में पुलिस आती है एंड वो तुम्हारे कुक को उठा के लेके जाती है ये बोल के कि इसने 50 से भी ज़्यादा लोगों को बीमारियाँ फैलाई है। कैसा लगेगा तुम्हें कि इतने दिनों से तुम एक ऐसी औरत के हाथों से खाना खा रहे थे जो तुम्हें बीमार कर सकती थी। ऐसे ही कुछ हुआ था एक फैमिली के साथ। एक लड़की थी जिसका नाम था मैरी मिलॉन। वो 1869 के साल में आयरलैंड में बॉर्न हुई थी। कहा जाता है कि शायद वो टाइफॉइड फीवर के साथ ही पैदा हुई थी क्योंकि उसकी माँ को प्रेगनेंसी के टाइम पे वो था। बाद में जब मैरी बड़ी हुई तब 15 साल की उम्र में शी इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। इनिशियल सालों में वो एज मेड काम करती दूसरों के घर में, बट लेटर वो एज कुक घरों में काम करने लगी। मैरी मिलॉन का एक अलग ही पैटर्न देखने मिलता, जहाँ वो जाती वहाँ लोग बीमार पड़ जाते। जैसे कि 1900 के साल में वो मामा रोनेक करके एक जगह पे काम कर रही थी, पर 2 हफ्ते के अंदर ही वो जिसके लिए वहाँ खाना बना रही थी उन्हें टाइफाइड हो गया, जिसके बाद उसने वो काम छोड़ दिया। 1901 के साल में वो मैनहट्टन गई। यहाँ पे एक फैमिली के लिए वो काम करने लगी। उसके आने के कुछ दिनों बाद ही वो फैमिली को फीवर एंड डायरिया शुरू हो गया। एक फैमिली मेंबर की तो जान भी चली गई इस वजह से। फिर से मैरी ने ये भी काम छोड़ दिया। फिर 1904 में वो एक लॉयर के घर में एज कुक फिर से काम करने लगी। ये घर में फैमिली मेंबर्स बीमार नहीं पड़े, बट घर के जो दूसरे सारे सर्वेंट्स थे जो मैरी के साथ कॉटेज में रहते थे वो सब बीमार पड़ गए। इतने सालों में वो पकड़ी नहीं गई थी, बट 1906 के साल में मैरी से एक गलती हुई। उसने क्या किया कि ऑयस्टर बे करके एक जगह था, वहाँ कुक काम ले लिया। ये जगह एक वेल्दी फैमिली की थी एंड कभी यहाँ ऐसा कोई बीमार नहीं पड़ा था, पर मैरी के आने के बाद फैमिली के 11 लोगों में से 6 लोग काफी बीमार पड़ गए, जिसके बाद मैरी यहाँ से भी भाग गई। पर इस बार वो पकड़ी जाने वाली थी क्योंकि ऑयस्टर बे का जो ओनर था वो उसके लैंड पे जो घर था ना उसको रेंट पे देना चाहता था, पर ये बात फैल गई कि उस घर में रहने वालों को टाइफाइड हुआ है एंड उस जमाने में लोग ऐसी बीमारियों से डरते थे, तो कोई भी वो रेंट पे लेने को जगह रेडी नहीं था। जिसके बाद ऑयस्टर बे के ओनर ने एक जॉर्ज सोपर नाम के इन्वेस्टिगेटर को हायर किया ये पता लगाने के लिए कि अचानक से उसकी फैमिली को टाइफाइड वगैरह क्यों होना शुरू हुआ। तो वो इन्वेस्टिगेटर ने पहले तो टाइफाइड के बारे में थोड़ा पढ़ा, जिससे उसे पता चला कि टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का 3 हफ्ते का एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये पढ़ने के बाद उस इन्वेस्टिगेटर ने कंक्लूड किया कि जिस दिन पे ऑयस्टर बे की फैमिली बीमार पड़ी थी उसके 3 हफ्ते पहले ऐसा क्या अलग हुआ था उनके प्रॉपर्टी में, क्योंकि वहीं से ये टाइफाइड का बैक्टीरिया आया है। सबसे बातचीत करने के बाद उसे पता चला कि 3 हफ्ते पहले एक नई कुक को काम पे इन्होंने रखा था जिसका नाम मैरी था एंड ये टाइफाइड से जब सब बीमार पड़ गए तब वो वहां से चली गई। फिर वो इन्वेस्टिगेटर ने मैरी को ढूंढना शुरू किया। तब पता चला कि वॉल्टर बोवन करके एक आदमी ने उसे काम पे रख दिया है। जैसे ही मैरी उनके भी घर में गई वहाँ के कई सर्वेंट्स बीमार पड़ गए एंड वॉल्टर की बेटी को भी टाइफाइड हो गया एंड वो गुजर गई। फिर इन्वेस्टिगेटर ने मैरी के पास्ट में थोड़ा झांका एंड सेम आउटकम दिखा कि जहाँ वो जाती सब बीमार पड़ते। ये भी पता चला कि मैरी अपना नाम स्लाइटली बदल देती है जब भी वो एक नए जगह पे काम करती है, तो सो दैट कोई उसे ट्रेस ना कर पाए। जैसे कि मैरी मिलॉन उसका एक्चुअल नाम था, फिर मैरी ब्राउन नाम शी यूज्ड एंड एट टाइम्स मैरी मिलॉन आल्सो। कई अथॉरिटीज के लोग भी मैरी के पीछे पड़े थे और उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्योंकि टाइफाइड जो था ना वो एक आम सी बीमारी नहीं थी। जनरली वो ज्यादातर सोल्जर्स को होता था, पर कॉमन पब्लिक में टाइफाइड का आउटब्रेक वॉज अनलाइकली, इसलिए स्टेट ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था एंड जितने भी आउटब्रेक्स हुए थे वो सब मैरी की तरफ ही इशारा कर रहे थे। पर जब भी मैरी से कुछ भी पूछताछ की जाती तब वो यही बोलती कि उसे टाइफाइड नहीं है, वो खुद कितनी हेल्दी है तो किसी और को बीमार कैसे कर सकती है एंड उसने कभी टेस्टिंग वगैरह के लिए अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट किया ही नहीं। एक बार तो वो एक इन्वेस्टिगेटर के पीछे चाकू लेके भागी थी क्योंकि वो उसको इसी बीमारी के बारे में पूछने आया था। देखते देखते मैरी का नाम फेमस होने लगा एंड उसे टाइफाइड मैरी के नाम से बुलाने जाने लगा। जब ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब अथॉरिटीज ने मैरी को क्वारंटीन करने का फैसला लिया सो दैट वो और किसी को बीमार ना कर दे। इस दौरान मैरी को काफी सवाल पूछे गए कि जब वो कुक करती है तब क्या हाइजीन रूल्स फॉलो करती है कि नहीं। तब ये बात सामने आई कि मैरी मिलॉन खाना बनाने से पहले अपना हाथ कभी भी नहीं धोती थी। उस टाइम के लोगों को जर्म्स का कॉन्सेप्ट इतना पता नहीं था, लोगों को लगता था कि छूने से जर्म्स नहीं फैलते एंड ये चीज मैरी को भी लगता था। इसी मिसकंसेप्शन की वजह से वो सोचती थी कि कुक करने से पहले हाथ धोने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये था कि अगर मैरी टॉयलेट जाती तो वहां से वापस आने के बाद वो अपना हाथ कभी भी नहीं धोती थी। ऑलरेडी वहाँ के लोग पानी यूज नहीं करते, ऊपर से ये हाथ भी नहीं धोती थी एंड उसके नेल्स भी क्लीन नहीं होते थे। इस वजह से क्या हुआ था कि पूप में जो बैक्टीरिया होते थे वो मैरी के हाथ में रह जाते एंड फिर वही गंदे हाथों से वो कुक करना शुरू कर देती, जिसके चलते जहाँ भी वो जाती लोग बीमार पड़ जाते उसके हाथ का खाना खा के। पर फिर सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर मैरी टाइफाइड सबको देती थी तो वो इतनी हेल्दी क्यों थी।
सो जो हॉस्पिटल में मैरी थी वहाँ के डॉक्टर्स का ये कहना था कि मैरी के गॉल ब्लैडर में ये बैक्टीरिया है जो उसे हार्म नहीं कर रहा, पर उसके अनहाइजीनिक कुकिंग वेज के चलते दूसरों को ये बैक्टीरिया बीमार कर रहा है एंड गॉल ब्लैडर निकालना वॉज द ओनली ऑप्शन। पर तभी ये प्रोसीजर्स इतने सेफ नहीं होते थे, इस वजह से मैरी ने कॉपरेट नहीं किया एंड बोला कि वो अपना गॉल ब्लैडर नहीं निकलवाएगी। लेटर 2013 में एक स्टडी के दौरान पता चला कि एट टाइम्स कुछ लोग बैक्टीरिया के कैरियर्स होते हैं, लाइक उनके बॉडी में ये बैक्टीरिया रहता है विदाउट अफेक्टिंग देम, बट जब दूसरे के कॉन्टैक्ट में ये लोग आते हैं तो वो बैक्टीरिया उनके बॉडी को अफेक्ट करता है। एंड सेम वॉज हैपनिंग विद मैरी, पर मैरी वॉज इन डिनायल, वो रेडी ही नहीं थी ये मानने के लिए कि वो दूसरों को बीमार कर रही है। कुछ 2 साल और 11 महीनों तक वो क्वारंटीन में रही थी 1907 से 1910 तक। एंड मैरी को एक ही शर्त पे स्टेट ने रिहा किया, उन्होंने उसे बोला कि बाहर जाने के बाद वो अपने हाइजीन का ध्यान रखेगी एंड फिर से उसको कभी भी कहीं भी काम नहीं करेगी। एक एफिडेविट भी मैरी ने साइन किया अग्रीइंग टू ऑल द टर्म्स। फिर मैरी वापस फ्री हो गई। रिलीज होने के कुछ साल तक वो एज लॉन्ड्रेस काम करने लगी, रोज कपड़े धोती, पर जितना कुकिंग से वो कमाती थी उतना वो पैसा भी नहीं कमा पा रही थी, वो खुश भी नहीं थी। इसलिए फिर से कुछ साल बाद वो एज कुक काम करने लगी एंड उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा। वापस अलग अलग सरनेम उसने यूज किया सो दैट लोग उसे पहचान ना पाए। इस बार वो रिच फैमिलीज के वहाँ काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो लोग सतर्क हो गए थे, इसलिए उसने रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े किचन्स देन होटल्स में काम करना शुरू किया। जहाँ वो जाती फिर से लोगों को टाइफाइड होना शुरू हो जाता एंड ये बार वो फटाफट अपना जॉब भी बदल रही थी एंड उसे पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था। देन 1915 के साल में वो एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी जिसका नाम था स्लॉन हॉस्पिटल फॉर वुमेन। इस बार उसने 25 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया यहाँ पे। यहाँ से वो भागने वाली थी बट पुलिस ने उसे पकड़ लिया एंड फिर से उसे दूसरे बार क्वारंटीन में डाला गया। दूसरे बार जब उसे पकड़ा गया तब फिर से स्टेट ने उस पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मैरी मेलॉन को उसकी आगे की बची हुई पूरी जिंदगी के लिए क्वारंटीन में डालेंगे। ये चीज से मैरी खुश नहीं थी। कई रिपोर्टर्स को मैरी ने स्टेटमेंट दिया कि उसने कभी भी किसको बीमार नहीं किया है, उसके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी है एंड गवर्नमेंट इसलिए ही उसे बंदी बना रही है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो मैरी को बिलीव कर रहे थे, पर कई लोगों का ये भी मानना था कि ओनली इफ रिलीज होने के बाद मैरी हाइजीन का ध्यान रखती है एंड कुकिंग का काम नहीं करती तो फिर से उसे क्वारंटीन में क्यों डाला जाता। मैरी को नॉर्थ ब्रदर आइलैंड करके एक जगह पे रखा गया था। वहाँ के लोग उससे अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते थे, काफी क्रूएल वे से उसे ट्रीट करते। कुछ 23 इयर्स तक वो वहाँ रही, देन अल्टीमेटली 1938 के साल में निमोनिया के चलते वो 69 इयर्स की एज में चल बसी। जब उसके बॉडी का ऑटोप्सी किया गया तब उसके गॉल ब्लैडर में जिंदा साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मिले एंड इन अ वे साबित हो गया कि इसी वजह से वो जहाँ जाती बीमारियां फैलाती। शायद इतना सब मैरी मेलॉन के साथ होता नहीं अगर वो टॉयलेट जाने के बाद अपना हाथ धो लेती एंड खाना बनाने से पहले भी। उसके अनहाइजीनिक रहने की जिद ने ही उसे काफी पेन दिया। सो या दैट्स इट, डू लेट मी नो कि अगले बार जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो क्या ये सोचोगे कि वहाँ का कुक हाइजीन मेंटेन कर रहा है कि नहीं। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।